ये है हमारी पंजाबन और ये है हमारी बिहारन। मुन्ना को भी पढ़ा लिया। और अरे ओ पंजाबन, हमें भी अपना संक्रांत मना ले तो जरा। अरे दीदी, कुड़ी को माफ कर दो, गलती से हो गया होगा। अरे जाओ जाओ, तुसी तो पीछे ही पड़ गए हो जी। निकल लो यहाँ से, दिख मत जाना, हमें भी अपना संक्रांत मना ले दो। पूरा कचरा मचा के रख रखा है, बस हाँ भी नहीं मनाने देते। ऐना लोगों ने बीच आके साड़ी तो किस्मत ही खराब हो गई है। सोचे ऐसी अच्छे से लोहड़ी मनावांगी, पर छड्डो। बहन जी, तेनू लोहड़ी की लख लख बधाइयां। वो मैंने दिन में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अरे मैंने भी, छड्डो जी कोई नहीं, हैप्पी लोहड़ी। अरे लोहड़ी के साथ साथ मैं 1 लाख लाइक भी लेके आई हूँ। सच्ची? लोहड़ी के त्योहार में सारे बच्चे लोहड़ी मंगन घर आते हैं, तो उसके लिए हमने बनाया ये पॉपकॉर्न बुके। इसके लिए सानू चाहिए कलरफुल चार्ट पेपर, प्लास्टिक शीट, ते कलरफुल रिबन और ग्लू। हुन जो पेपर लिया सी कलरफुल वाला, उसे स्क्वायर शेप में कट करके कुछ इस तरह से कोन बना लो। कोन दे किनारे को फेविकॉल से अच्छे से सेट कर लो और बाकी सारे कोन नू भी इसी तरह सेम चिपका लो। हुन कोन नू प्लास्टिक शीट नाल रैप करके उसमें पॉपकॉर्न भर लो। पॉपकॉर्न पाके प्लास्टिक शीट को ऊपर से सेलो टेप से अच्छे से रैप कर दो। हुन सजाने वास्ते कलरफुल रिबन को इसके ऊपर टाई कर दो। देखो जी, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे पॉपकॉर्न बुके। बिना मेकअप नाल किसी भी त्योहार दा स्वाद ही नहीं आंदा। और कुड़ी हो के मैं मेकअप ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐथे मैंने एक ब्राइट मेकअप लुक किया है और यहाँ मैंने लगाया रेड आई शेडो और रेड लिपस्टिक। और तोनू तो पता ही है जी कि ब्राइट कलर्स का हमारे इंडियन फेस्टिविटीज में कितना इम्पोर्टेंस है। जे परांदी नहीं पाई तो लोहड़ी की मनाई। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल हेयर स्टाइल किया है। फ्रंट सेक्शन के कुछ पोर्शन को लेकर ऐसे ट्विस्ट करते जाओ। अब दूसरी तरफ भी सेम चीज रिपीट कर लो। अब स्कूल में जैसे आप 2 प्लेट्स बना के स्कूल जाते थे, सेम पीछे उसी तरह से 1 प्लेट बना लो और उसमें परांदा ऐड कर लो। हाय नी, कितनी सोनी लगती पहिया मैं। पंजाबी तो बहुत सुन ली, अब बिहारी की बारी है। हाँ भैया, तो हमारे बिहार में तो संक्रांत पे ही पतंग ही चलता है। पतंग इतना महंगा आता है कि का बताएं, तो क्यों ना घर पे ही बनाया जाए इसको। तो पतंग बनाने के लिए हमको चाहिए ये सारा सामान, बहुत ही आसान है। जैसे जैसे पेपर पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, वैसे ही वैसे आप भी करते जाइए। जहाँ निशान लगा था वहाँ पे कटिंग करके बॉर्डर्स में टेप लगा दीजिए। वैसे एक बात बताना भूल गई, ये पतंग उड़ाने के लिए नहीं, सिर्फ सजाने के लिए है, तो पीछे बेस भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो कोई भी डंडी या पतली सी लकड़ी से इस तरह से बेस बना लीजिए। भाई डेकोरेशन के लिए पतंग है तो थोड़ी सी सजावट तो बनती ही है ना, तो बस थोड़ा सा पतंग भी सजा लीजिए और इसी तरह से 3-4 पतंग और बना लीजिए। हुन लोई ते आगनी बाली ते फिर की मजा। इसलिए हमने लोई की डेकोरेशन इंडोर्स भी कर दी, बिल्कुल ऐसे। इसके लिए सानू चाहिए लकड़ियां, पत्थर, कैंडल ते फेरी लाइट।
हुन लकड़ियां नू टेंट दा शेप दे दो ताकि ऑन दा बेस एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। हुन पत्थरां नू अगल बगल सजा के टेंट दे थल्ले कैंडल सजा दो। हुन ध्यान रखना जी कि जो आप डेकोरेशन कर रहे हो वो इंडोर्स है, इसीलिए जो भी तरह की कैंडल या लाइट्स हो वो बैटरी वाली ही यूज करनी। लो जी, फेरी लाइटां नाल हो गई साड़ी इंडोर लोई तैयार। भाई लोहड़ी हो या संक्रांत, तिल गुड़ के लड्डू तो हर किसी में जरूरी होते हैं। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल जी, ते तिल गुड़ खाओ और मुंह मीठा करो। भाई हम बिहारियों का दिमाग ना थोड़ा सा ज्यादा चलता है, वो क्या कहते हैं, सामान ऐसी फैला के रखोगे तो लोगों का खाने का मन तो करेगा नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना सारे सामान को अच्छे से सजा कर रखे कि लोगों का देख कर ही मन ललचा जाए। वाह वाह वाह, क्या ट्रे लग रही है। क्यों पंजाबन जी, सही नहीं लग रही? जी जी, बहुत सुंदर लग रही है, अच्छा सजाया है बहुत आपने। कैसे सजाया है? अरे भैया हमारा तो मन ही ना कर रहा इसको देख के खाने का, सजे वही रहने दे। हारे तो मत खाओ ना, हम किस दिन के लिए। जी बहन तो जी गेस्ट नू बैठन नाल कुछ तो चाहिए उन्दा है ना, तो उसके लिए हमने इस खाट को एक नया रूप दे दिया सी। खाट नू सजान लिए सानू चाहिए थे प्लास्टिक ते फूल और मादी चुन्नी। प्लास्टिक फूल नाल ये फायदा होना है कि ये आपको आगे के डेकोरेशन में भी काम आएंगे। और सबसे बढ़िया गल ये है जी कि ये तो आपको इजीली कहीं भी स्टोर्स में मिल जाएंगे, वो भी 30 से 50 रुपए के अंदर ही। हुन कुछ इस तरह फेक फ्लावर नू खाट की टंगा विच लपेट लो। अब जी कॉन्ट्रास्टिंग कलर के फूल नाल बेड के कॉर्नर को भी अच्छे से सजा लो, बिल्कुल ऐसे। हुन मादी चुन्नी अच्छे से सजाना क्योंकि फट गई ना तो चपेड़ पड़ जाना है। हुन एक बम्बू लगा के ओनु भी इसी तरह से डेकोरेट कर लो। और आपके पास अगर घर पे कोई फैब्रिक बची हो नेट की, उससे तो बहुत अच्छा डेकोरेशन हो जाएगा। ओहो जी, खाट देख के तो कुछ और ही याद आ गई। अरे जो आप सोच रहे हो वो नहीं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो क्या कर रहे हो आप लोग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।